नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री चैंपियन हब पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जेड की स्पोर्ट काउंसलिंग वो सब 27 से लेकर 29 तारीख तक कंप्लीट हो चुकी है। जिसने भी स्पोर्ट काउंसलिंग करवाई है उनकी रिजल्ट और कट ऑफ की बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये सूचना पहुँच सके। तो बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो आपका जो काउंसलिंग है वो हुई थी अभी 26, आपकी जो काउंसलिंग हुई थी वो 27 से लेकर 29 तक। 29 के बाद में अब आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसके बात करते हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले आपको मैं जो इसका शेड्यूल उस पर ले चलता हूँ। तो ये देखिए आपका शेड्यूल है पूरा जेड का, इसमें यहाँ तक का कार्यक्रम हो चुका है 10 तक का, जिसमें कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आई थी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सीट खाली रहे तो स्पोर्ट काउंसलिंग होने वाली थी 27 को भी हो चुकी है, ऑनलाइन विकल्प की अंतरिम तारीख थी 29 तारीख वो भी हो चुकी है। अब आपकी जो फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट है कब आने वाला, तो जी हाँ 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 3 अक्टूबर के बाद में आपको 5 अक्टूबर को ऑनलाइन फ़ीस जमा करवानी है, जिस जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद आपको 5 बजे 7 तारीख को 5 बजे तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद भी यदि सीट खाली है तो 10 तारीख को एक लिस्ट हो आएगी, सेकंड लिस्ट बोलेंगे जो स्पोर्ट काउंसलिंग की। उसके बाद आपकी उसकी 12 तारीख जमा करवानी है, उसमें कॉलेज एक्सेप्ट करनी है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को मतलब पूरा जेड का जो सिस्टम है 2022 वाला वो बंद हो जाएगा, और हो सकता है 2023 में जेड हो या ना हो, क्योंकि आई सी एल लेवल पर लगी पेपर होने को जा रहा है। तो धन्यवाद, वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।